नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइट लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। पंचतत्व में विलीन हुई पीएम मोदी की मां हीराबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाइयों संग उन्हें मुखाग्नि दी। 100 की उम्र में अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने हीराबा के लिए ट्विटर पर लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर दुनिया के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सबने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनाएं व्यक्त की। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी, मैं आपकी प्यारी मां के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। नेपाल के नए बने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी दुख जताया। पाक पीएम शाहबाज शरीफ ने कहा, मां को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े। सुबह को 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। सीएम ममता ने कहा कि मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, मां से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। सड़क दुर्घटना की चपेट में आए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत, रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास उनकी मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद कार में आग लग गई। इस घटना में ऋषभ पंत के सिर और घुटने में चोट आई है। उनकी जान खतरे से बाहर है। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ और प्लास्टिक सर्जन की निगरानी में पंत है। जाँच के बाद उनका विस्तृत मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने दुनिया को अलविदा कहा। 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वे पेट के कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें 29 नवंबर को साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टीन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पेले फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार हैं। उन्होंने अपने देश ब्राजील को 1958, 1962 और 1970 में 3 वर्ल्ड कप जिताए। पटना के मनेर में एक बड़ा हादसा हो गया है। मनेर में नदी में एक नाव के पलटने की जानकारी मिल रही है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मनेर थाने के एएसआई सत्य नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त नाव में 14 लोग सवार थे, जिनमें 7 लोग बाहर आ गए, जबकि 7 लोगों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम लग गई है। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रिजल्ट जारी किया गया। 23 जिलों के 17 नगर निगमों सहित 68 निकायों का परिणाम घोषित हुआ। पटना में मेयर की कुर्सी सीता साहू के पास रही, तो डिप्टी मेयर के तौर पर रेशमी चंद्रवंशी को कामयाबी मिली। पटना की जनता की विश्वास की जीत है, और जो मैंने काम 5 साल की है जनता उसी पर मेरे काम पर फिर दोबारा मेयर बनाई है। मैं जनता के प्यार और स्नेह बदौलत जीती हूँ और उनके विश्वास में खड़ी उतरूंगी। मेरी प्राथमिकता यही होगी, मैंने पहले भी कहा है, मैं अगर जीत के आती हूँ, अब तो जीत ही गई हूँ, तो मैं 3 श पे कार्य करूँगी। 3 श का मतलब सुविधा, स्वास्थ्य, स्वच्छता। मेरी प्राथमिकता रहेगी महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य, महिला आत्मनिर्भरता। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक राजीव रंजन पर बड़ी कार्रवाई की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राजीव रंजन को 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन पर ये कार्रवाई पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी की वजह से की गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी की छवि धूमिल करने वाले बयानों को लेकर उन्हें पूर्व में भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन लगातार बयानबाजी के कारण उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है। इससे पहले राजीव रंजन ने अपना इस्तीफा सौंपते हुए पार्टी नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बिहार में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उनकी नीतियों और आदर्शों को दरकिनार कर रही है, सबका साथ सबका विकास के नारे के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि पार्टी में पिछड़े और दलित समुदाय के नेताओं को झंडा ढोने तक सीमित कर दिया गया है।
बिहार के गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इसके बाद महाबोधि मंदिर में पहुंचकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। बोधगया में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए। इस समय बोधगया की धरती पर भूटान, नेपाल, तिब्बत, अमेरिका, जापान, रूस, इंडोनेशिया, जर्मनी और थाईलैंड सहित 47 देशों के बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए हैं। पीएम मोदी की मां के निधन पर लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान ने एक तरफ जहां शोक व्यक्त किया, वहीं मां के अंतिम संस्कार के बाद तुरंत काम पर लौटे पीएम मोदी की चिराग ने खूब तारीफ की है। चिराग ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने साबित किया कि किसी भी परिस्थिति में देश का विकास नहीं रुकना चाहिए, इसलिए देश के करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दरअसल कोलकाता में नमामि गंगे परियोजना को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए गंगा नदी से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। एक्ट्रेस तनीषा शर्मा के सुसाइड मामले में उनकी मां वनीता ने एक्टर शिजान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि शिजान उनकी बेटी तनीषा पर धर्म बदलने का दबाव बनाता था, साथ ही उससे महंगे गिफ्ट्स भी मांग करता था। उन्होंने बताया कि एक बार शिजान ने तनीषा को पीटा भी था। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित 4 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड के 2 और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के 1-1 खिलाड़ी ये अवार्ड जीतने की रेस में शामिल हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के अलावा जॉनी बेयरस्टो भी ये अवार्ड जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा और दक्षिण अफ्रीका के तगिसो रबाडा भी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।